नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा, लेके आया हूँ एक स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, सीधी बात करने जा रहे हैं आज हम हमारे जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, जी हाँ विपिन जी, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और क्या क्या मिशन है इनका, लोगों के बीच क्या क्या ये जो कि मिशन लेके जा रहे हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था सबका साथ सबका विकास, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को है विश्वास। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं विपिन जी जो कि ब्लॉक ढांगरी से कैंडिडेट हैं। करते हैं हमारे साथ विपिन जी हैं। जी विपिन जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बताइए कि किस तरह से आपने बीजेपी ज्वाइन की और खासकर इलेक्शन का माइंड बनाया। जी सबसे पहले मैं राकेश जी आपका धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पे आए। बाकी बात रही हमारी भाजपा गवर्नमेंट की, वो सब आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं। अगर मैं आपको बताने पे आऊँगा तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। 35 और 370 पे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा DDC के चुनाव होने जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का पता होगा कि ये इलेक्शन, इसके पहले भी सरकारें रही पर आज तक पंचायती राज एक्ट को पावर में किसी ने नहीं लाया। और वो चीज़ आपको पता है कि पंचायती राज एक्ट को पावर में क्यों नहीं लाया गया, कि जो पुरानी सरकारें थी कहीं ना कहीं उनको ये था कि ये जो पावर है पब्लिक के हाथ में ना जाए और ये पावर जो है हमारी जो ये खानदानी सियासत जिन पार्टियों ने की वो आपके सामने है, उनकी यही सोच थी कि ये जो पावर है हमारे घर में ही रहे, आम लोगों के बीच ना जाए। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पंचायती राज एक्ट में सबसे पहले सरपंची इलेक्शन हुए, उसके बाद BDC इलेक्शन हुए और आज जिसमें मैं भाजपा का उम्मीदवार DDC इलेक्शन में खड़ा हूं, और वो चीज़ आपके सामने है। और पंचायती राज सही मायने में पावर में इस इलेक्शन के बाद आएगा, उसके बाद जो पावर है वो सीधी पब्लिक के हाथ में जानी है। इसके पहले भी गवर्नमेंटें रही, आपको पता है उन्होंने कहीं भी किसी भी नए आदमी को चुनाव में आने का मौका नहीं दिया। मेरे परिवार को राकेश जी आप पर्सनली जानते हैं कि मैं किस परिवार से हूं, हमारे परिवार में आज तक किसी ने पंची का इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। तो ये एक भाजपा ही हमारी ऐसी पार्टी है जो हर आदमी को, हर काम करने वाले आदमी को आगे लाने का मौका देती है। नहीं तो बाकी पार्टियों की आप बात करोगे तो उन्होंने अपने खानदान में से निकलकर किसी को भी आगे आने का मौका नहीं दिया। तो मैं सबसे पहले भाजपा की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पे DDC का कैंडिडेट उतारा। और मैं अब अपनी 24 पंचायतों, 17 पंचायतें हमारे डांगरी ब्लॉक की और 7 पंचायतें हमारे डूंगी ब्लॉक की, मुझे 24 पंचायतों की पूरी आवाम पे ये यकीन है कि वो ये जो खानदानी सियासतें पीछे चलती आई हैं वो इस बार उन लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। और उनको ये चीज़ पता है कि पब्लिक के हित में, पब्लिक को पावर में लाने वाली कौन सी पार्टी है। और वो लोग मेरे साथ नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे ऐसे एक्ट लागू किए हैं कि जो पीछे किसी भी गवर्नमेंट में आज तक नहीं किए। और जिसमें हमारे, आपने देखा होगा ये जो DDC इलेक्शन आए, इसमें हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को ST सीटों की रिजर्वेशन आपके सामने है। हमारे रजौरी से कितने कैंडिडेट, हमारे ST में कितनी सीटें रिजर्व हुई। तो इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे, इससे पहले ये सीटें रिजर्व क्यों नहीं हुई। तो ये आज की जनता सब समझ गई है कि उन्होंने क्या डिसीज़न लेना है। बिहार के इलेक्शन हुए, सब इलेक्शन के रिजल्ट के पहले जो भी रिजल्ट आ रहा था कि भाजपा को वहाँ पे काफ़ी लॉस हो रहा है, पर जब रिजल्ट आए तो वहाँ पे हमारी भाजपा की काम बोले,
और लोगों ने बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट दिया, वो रिजल्ट आपके सामने है। और हमें, मुझे भी ये उम्मीद है कि हमारे इस GDC इलेक्शन में हम बढ़ चढ़ के मेजॉरिटी पे सीटें हासिल करेंगे। और मैं अपनी 24 पंचायत की सारी आवाम से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने, भाजपा ने एक नए शख्सियत को आपके सामने लाया है, और आपसे मेरा यही है कि इस, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपने मुझे जिताना है, क्योंकि मेरा कोई सियासी पिछली बैकग्राउंड नहीं है, मैंने किसी का कोई सियासत में पीछे काम नहीं किया, पर मुझे ये उम्मीद है कि ये सारी हमारी आवाम भाजपा के साथ जुड़ी है और वो भाजपा का दिल से सहयोग देंगे। और मैं ये चीज़ अपनी पूरी आवाम को कहना चाहता हूँ कि आपने आने वाली 10 तारीख को हर गांव, जितनी भी हमारी सारी पंचायतें हैं, हर जगह पे आपने डट के भाजपा को वोट डालना है। और उसके बाद ये विपिन मेहता दिन रात आपके जो भी डेवलपमेंट के काम, चाहे वो रोड्स के, चाहे वो बिल्डिंग्स के, और भी जो हमारे लोगों की मुश्किलात है, मैं हर वक्त उनके साथ खड़ा हूँ। और काम करने के लिए हमारी भाजपा पार्टी हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ से घबराने की कोई टेंशन नहीं है, हमारी सेंटर में गवर्नमेंट है और हमें ये सब आवाम को पता है कि ये काम कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है और कौन सी गवर्नमेंट से होगा। और इस बार हमें पूरी ये उम्मीद है कि हम इस इलेक्शन में, हमारी यहाँ की जितनी भी सीटें हैं, हम भाजपा सारी सीटों को जीतेगी और आने वाले जो हमारा चेयरमैन है वो भाजपा का होगा। और मैं एक बार लास्ट पे दोबारा सारी पब्लिक को यही अपील करूँगा कि आप बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग करें और 10 तारीख को भाजपा को अपना वोट दें। भाजपा का है सबका साथ सबका विकास। विपिन जी ने अभी कहा कि हमारी पार्टी जो है, खासकर ST में देखो कितने कोटे दे दिए, कहा है मैंने लोगों की सेवा किस तरह करनी है। जी हाँ, JK न्यूज ब्रेक हर उस आदमी को प्रमोट करेगा जिसका भाव जो है देश के प्रति होगा। राकेश तारा, JK न्यूज ब्रेक, राजौरी।